हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग मास्टर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे कैसे आप एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन का यूज करने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। जब भी हम अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी शीट बनी है, यहाँ पर हमें कोई लिस्ट तैयार करनी होती है, तो उस केस में क्या करते हैं, हमें दो या तीन नेम ऐसे होते हैं जिसे हम बार बार टाइप करना होता है, उस केस में हम क्या कहते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। डाटा वैलिडेशन का यूज़ हम वीलुकअप में भी करते हैं, जिससे हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके हमें कोई नाम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें एक लिस्ट की तरह आ जाती है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे बॉस ने हमें काम दिया हुआ है जिसमें हमारे एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तो यह बहुत मिनिमम डाटा है, लेकिन जब कंपनी में आप जाते हो कि यहाँ पे बहुत सारा डाटा, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या काम दिया, हमें अपने एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट और सिटी हमें टाइप करना है। लेकिन हमें डिपार्टमेंट सिटी क्या क्या है, हमारे चार डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का, एक मार्केट का, सेल्स का, एक आईटी का, एंड देन यहाँ पे हमारा सिटी के नेम है, ये कुछ सिटी के नेम है, ये वाले सब टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, दीपक है नाम है, यहाँ पे चेक करते अपने लिस्ट में, देन यहाँ पे लिख देते अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, रमेश है मार्केट डिपार्टमेंट, सोना है यहाँ पे हमारा ये सोन है, ये कौन सा अकाउंट डिपार्टमेंट, तो हम ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है। अब मुकेश है, ये कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट, तो ऐसा हम टाइप करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इस केस में हम क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम अपना कोई भी काम आसानी से कर लेता है, इससे हमारा टाइम भी बचता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने अपनी लिस्ट तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इस लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये पूरी अपने टेबल सेलेक्ट कर लें, यहाँ तक हमें क्या करना है, होम मेन्यू हमारा सिलेक्ट होके आता है ऑटोमेटिक, तो हमें इस केस में क्या करना है, डाटा वाले ऑप्शन में जाना है। डाटा वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक हमारे ऑप्शन आता है डाटा टूल्स, इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। इस पर हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन, इस पर जाते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन अभी हम डाटा वैलिडेशन में हम लिस्ट वाले फंक्शन का यूज़ करके आपको बताएंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें बहुत सारे वैल्यू आ रही है, जैसे एनी वैल्यू, होल नंबर, डिजिट, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, तो हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सोर्स पूछ रहा है, हम ये सिलेक्ट करते हैं इस पर, एंड देन नेक्स्ट शीट पर जाते हैं अपनी, एंड देन ये चारों नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ऐसा ओके करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप नॉर्मली सीट पे जाते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जाऊँगे तो यहाँ पे आपको एक एरो टाइप का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको चार डिपार्टमेंट आपको मिले होते हैं, वो सिलेक्ट होके आ रहे हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे लिस्ट में आ रहे हैं। हमें क्या करना है, दीपक अकाउंट डिपार्टमेंट लिख लिया, अकाउंट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट में गए यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट, मार्केट है, मार्केट लिख लिया, इसमें गए इसमें कौन सा अकाउंट्स है, अकाउंट्स कर लिया, इसमें कौन सा सेल्स है, सेल्स कर लिया। तो इस तरह से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको क्या करना है, लिस्ट ओपन करनी है, आईटी डिपार्टमेंट में लिख लिया, बस सिलेक्ट करना है आपको, बस इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह से डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप सिटी वाला भी यूज़ कर लेंगे। अभी हम ये फंक्शन आपको बता दें कैसे यूज़ करना है। सिटी का क्या करना है, सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हमें टेबल सेलेक्ट कर लो, जहाँ तक आपको चाहिए वो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो, कर लिया। उसके बाद क्या करना है, डाटा वाला ऑप्शन में जाना है, डाटा मेन्यू में, देन डाटा टूल्स में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाटा वैलिडेशन, इस पर जाते हैं। यहाँ पे हमें लिस्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करना है, इसके आगे वाली वीडियो हम पूरी बता देंगे कैसे आप डाटा वैलिडेशन में आप ए टू जेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी के हम लिस्ट वाला बता रहे हैं, तो लिस्ट में गए, सोर्स पे क्लिक किया, सोर्स हमें नेक्स्ट नेक्स्ट सीट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने
अपने सीखी गई बोले से मेरे तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना आप, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए रहते रहते हैं। थैंक यू।